सिरोही में जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है वहाँ पर बच्चों की परीक्षाएं चल रही है, जहाँ पर सीए के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसी दौरान कंस्ट्रक्शंस कंपनी द्वारा अंबिका नगर सिरोही में जिस प्रकार से ये किया जा रहा है कंस्ट्रक्शन कार्य, जिससे करीबन घंटों स्कूल बसें खड़ी रही और इसको लेकर प्रशासन कहीं सजग नज़र नहीं आया। सिरोही के अंबिका नगर का इलाका बताया जा रहा है, जहां से स्कूल की बसें करीबन आधा घंटा खड़ी रही, उसके बाद निकली। सिरोही जिले के शिवगंज राजकीय माध्यमिक विद्यालय में छात्र छात्राओं को जूडो कुश्ती राज्य स्तर पर शानदार प्रदर्शन करने पर दानदाता भामासाव द्वारा फाउंडेशन की मदद से उनको टिफिन एवं मिल्टन बोतल उपहार स्वरूप दिए। शानदार प्रदर्शन किया, उसके लिए पीछा परिवार की ओर से इनका आज स्वागत किया गया, जिसमें कुश्ती और जूडो में क्रमश चूरू और बीकानेर में शानदार ब्यावर में शानदार प्रदर्शन कर विद्यालय का नाम रोशन किया, इसके लिए इनका स्वागत सत्कार किया गया। आगे भविष्य में भी इनका उत्साहवर्धन से खिलाड़ियों में आगे प्रतिभा जगेगी और अच्छी खेल की भावना जागृत होगी, यही उद्देश्य से हमने इनका सम्मान किया। सिरोही सीएम एचओ राजेश कुमार ने अपील जारी की है कोविड को लेकर, सुनिए क्या कह रहे हैं। सिरोही जिले के समस्त सम्मानित नागरिकों से मेरी अपील है कि 18 वर्ष से ऊपर के जो भी नागरिक अभी तक कोविड वैक्सीनेशन से वंचित हैं, जिन्होंने कोविड वैक्सीनेशन की डोज नहीं ली है, उनके लिए जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग अन्य सभी विभागों के सम्मिलित प्रयास से आने वाले दो दिनों में दिनांक 11 दिसंबर और 12 दिसंबर को विशेष कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाकर अब तक जो कोविड वैक्सीनेशन की डोज नहीं लगाई है, भले ही फर्स्ट डोज ड्यू हो, भले ही सेकंड डोज ड्यू हो, तो निश्चित रूप से इस महाअभियान का लाभ उठाएं और अपना कोविड वैक्सीनेशन कराएं, अपने परिवार को अपने समाज को सुरक्षित करें। चूंकि चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा कोविड की तीसरी लहर आने का अंदेशा जो जताया जा रहा है, उससे बचाव का एकमात्र रास्ता कोविड वैक्सीनेशन है, अतः आप सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप कल और परसों में अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाके और कोविड वैक्सीनेशन कराएं। धन्यवाद।